स्वागत है आपका एक बार फिर से दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी जंक्शन लाइव में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हरदम अपडेट करते रहें, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है तो सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ा खबर लेकर आए हैं जो CGL से और CHSL से रिलेटेड है। जो SSC CGL और CHSL 2017 हुआ है उसके लिए हम एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपना कमेंट्स भी दिया कीजिए। तो आइए हम ले चलते हैं अपने खबर की ओर। हमारा खबर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो SSC CHSL और SSC CGL 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें Tier 2 भी हो गए थे, उस एग्ज़ाम के रिजल्ट पे फाइनल स्टे लगा दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों एग्ज़ाम के रिजल्ट पे स्टे लगा दिया गया है। इस पूरी खबर को हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। जैसे ही अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे तो आप हिंदुस्तान का पेज खोलेंगे। जैसे ही आप लाइव लिखेंगे SSC CGL SSC CHSL 2017 सुप्रीम कोर्ट, ये लाइव हिंदुस्तान का ये पेज है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने SSC CGL 2017 और SSC CHSL 2017 के रिजल्ट पर रोक लगा दिया है, कहा परीक्षा में नज़र आ रही है गड़बड़ी। यानी फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जज को ये लग गया है कि फाइनल परीक्षा में गड़बड़ी आई है, उसको देखते हुए रिजल्ट को रोक लगा दिया गया है। तो देखिए क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज का। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को SSC की परीक्षाएं जो 2017 में हुई थी, CHSL और CGL के जो परीक्षाएं हुई थी उनके परिणाम घोषित पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में पूरी SSC की प्रक्रिया और परीक्षा में गड़बड़ी नज़र आ रही है। न्यायालय ने कहा कि वह SSC की परीक्षा में घोटाले से लाभान्वित होने वाले सेवा में शामिल नहीं होने सकते हैं। यानी उनका साफ कहना है कि जो लड़के में घूस दिए थे या बड़ा स्कैम किए थे वो लोग इस पोस्ट पे लाभान्वित नहीं होंगे, यानी उन लोगों का जॉब नहीं होगा जो धांधली कराए थे। तो और देखिए क्या कहना है, परीक्षा जो फरवरी में आयोजित हुई थी CGL 2017 की, उनमें कई जगह गड़बड़ी की खबर आई थी। परीक्षा के लीक और सामूहिक नव का दावा किया गया था। सैकड़ों जो परीक्षार्थी थे मामले को CBI जांच कराने के लिए सड़कों पर उतर आए थे और धरना प्रदर्शन और विरोध किया गया। मई माह में कर्मचारी चयन आयोग ने जो 2017 का जो CGL पेपर है उसको CBI के तहत सीफी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 10 कर्मचारी सहित 17 लोगों को FIR दर्ज के खिलाफ उनको जब्त किया था। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो 17 लोग जब्त किए गए थे वो एक प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए थे, जो प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए थे जो काफ़ी मोटी रकम में सॉफ्टवेयर हैक करते थे। सॉफ्टवेयर हैक के जरिए जिस कैंडिडेट का एग्ज़ाम होता था वो अपने सेंटर पे बैठता था और वो केवल अपने क्वेश्चंस को देखता था, उसका जो सॉल्यूशन है वो उससे कहीं दूर एग्जाम सेंटर से सॉफ्टवेयर हैक करके या कहें सॉफ्टवेयर के वहाँ से गड़ी की जाती थी। बड़े स्कैम के चलते आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा है कि इस एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है, उसके लिए उसने पूरे एग्ज़ाम को क्या किया है, निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अभी भी SSC की जो ऑफिशियली है इस पर कोई नोटिस अभी नहीं दिया गया एग्ज़ाम के आगे करना क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर पहले CBI जांच होगी, उसके बाद ही कोई आगे फैसला दिया जाएगा कि रिजल्ट रोकना है या एग्ज़ाम कैंसिल कराना है। तो आपको इस वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।